तो हेलो ब्रोज, रन कैसे स्टॉप आपका स्वागत है मेरे चैनल क्लियर ब्रो में। तो जब हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तो आज हम लोग बात करेंगे क्रोनो वर्सेस वुकोंग के बारे में कि इन दोनों कैरेक्टर के बीच क्या डिफरेंस होने वाला है। साथ ही हम लोग बात करेंगे इन दो कैरेक्टर के एबिलिटी के बारे में कि इनका जो एबिलिटी है एक दूसरे से कितना अलग है। तो आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज एक बंदर और एक प्लेयर के बीच कंपेरिजन होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मजा आने वाला है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइस, पहले हम लोग बात करते हैं क्रोनो कैरेक्टर के स्किल के बारे में। तो आप लोग यहां देख सकते हो मेरा जो लेवल है वो लेवल 6 है, यानी मैक्स लेवल मैंने कर रखा है क्रोनो कैरेक्टर का। तो मैं बताता हूँ इसका स्किल क्या होता है, ठीक है। तो सपोज आप इसको यूज़ करते हो, तो जैसे आप इसको यूज़ करते हो आपके सामने एक सर्कल टाइप का बनता है, और अगर कोई भी एनिमी बाहर से आपको मारता है तो उसका जो डैमेज है आप पे नहीं लगता है, क्योंकि ये जो सर्कल है 600 डैमेज तक आराम से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। यानी 600 डैमेज के बाद जो है ये सर्कल टूट सकता है। साथ ही अगर हम बात कर लें कि ये जो सर्कल है कितने टाइम तक रहता है, तो इसका जो टाइम है 9 सेकंड तक रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे आप इसको यूज़ करते हो फिर जो है ये वापस 40 सेकंड के कूलडाउन में चल जाता है, यानी 40 सेकंड के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें और एक स्पेशल बात होता है कि अगर आप इस कैरेक्टर के स्किल को यूज़ करते हो तो जो आपका मोमेंट स्पीड है वो जो है 30% तक बढ़ जाता है। लेकिन जब तक आपका सर्कल रहता है तभी तक आपका मोमेंट स्पीड रहता है 30% तक, उसके बाद जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो कैरेक्टर है काफ़ी तगड़ा कैरेक्टर है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है काफ़ी सारे बंदे यूज़ करते हैं। जैसे ये क्रोनो आया था बहुत सारे बंदे इसको भारी मात्रा में यूज़ कर रहे थे। तो सेकंड में हम लोग बात करते हैं वुकोंग कैरेक्टर के बारे में। तो इसका जो स्किल होता है ये एक्टिव स्किल होता है, यानी इसकी जगह जो है और कोई एक्टिव स्किल आप यूज़ नहीं कर सकते हो। फिलहाल आप जो देख रहे हो मेरा यहाँ मैक्स लेवल का कैरेक्टर है, यानी लेवल 6 का है। तो इसका जो स्किल है वो ये होता है कि सपोज आप जब इसको यूज़ करते हो तब आप जो है एक ग्रास टाइप का बन जाते हो, यानी एक झाड़ी बन जाते हो या फिर बोल सकते घास बन जाते हो, ठीक है। जैसे आप बनते हो तो आपको जो है एनिमी डैमेज नहीं दे पाता है, लेकिन इसमें एक खराबी बात यह है कि आप जो है इसको बैठ के नहीं लगा सकते, यानी आपको खड़े होके लगाना होगा तभी ये यूज़ होता है। जैसे आप इसको यूज़ करते हो तो ये जैसे ही ख़त्म होता है तो ख़त्म होने के साथ ये जो है 200 सेकंड तक कूल डाउन टाइम लेता है। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा टाइम। तो इसीलिए वुकोंग अभी इतना कोई यूज़ नहीं कर रहा, पहले जब आया था तब बहुत ही इसको यूज़ कर रहा था क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल रहता था। ये जो है पानी के अंदर इनविजिबल हो सकता था, यानी पानी के अंदर जो है कोई आपको नहीं देख सकता है। तो यही वुकोंग का सबसे स्पेशलिटीज वाला चीज़ है कि आपको जापानी में कोई देख नहीं पाएगा, साथ ही आप झाड़ी बन सकती हो। तो अगर आप लोग हमसे पूछोगे कि इन दो कैरेक्टर में से सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे क्रोनो को रेकमेंड करूँगा, क्योंकि क्रोनो जो है आपको कई तरीके से बचाता है। पहले बात कर लेते हैं इसको, जब आप यूज़ करते हो तब जो है आपका मोमेंट को ये बढ़ाता है, साथ ही जैसे आप इसको यूज़ करते हो आपका सर्कल बनता है, और जो है ये एनिमी से भी आपको बचाता है। तो काफ़ी जगह ये काम आ सकता है, यानी 2-3 तरीके से ये काम आ सकता है, लेकिन वुकोंग जो है एक ही टाइम काम आएगा, यानी वो एक ही बार आपका काम आ सकता है, और जो है उसका कूल टाइम काफ़ी देर तक रहता है। तो आप जो है वुकोंग में रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आप जो है क्रोनो यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करने से वुकोंग से बेटर रहेगा, ये मेरा गारंटी है। सो यहाँ जो है क्रोनो बेस्ट रहेगा। सो आई होप आपको जो है क्रोनो वर्सेस वुकोंग कैरेक्टर के बीच का कंपैरिजन अच्छा लगा होगा और आप जो है इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।